अडानी ग्रुप को लेकर हर रोज कुछ ना कुछ नई खबर सामने आ रही है। अडानी ग्रुप की कंपनियों का बिजनेस पोर्टल से लेकर पावर के बिजनेस तक फैला हुआ है। 24 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, तब से लेकर अब तक अडानी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैप से $135 अरब डूब चुके हैं। हिंडनबर्ग की अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शेयरों में हेराफेरी करके उसकी कीमत बढ़ाने और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप की कंपनियों का कुल मार्केट कैप अपने पीक पर था। अगर तब से अभी की तुलना करें, कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन या शेयरों की वैल्यू में से $200 अरब डूब चुके हैं। इसी बीच गौतम अडानी की अगुवाई वाले एम्पायर ने कुछ नए कदम उठाए हैं। उसने अमेरिका की बड़ी कम्युनिकेशन और लीगल टीम हायर की है। $85 करोड़ में कोयला संयंत्र खरीदने की डील रद्द कर दी, खर्चे में कटौती, कुछ कर्ज चुकाए और साथ ही ज्यादा कर्ज चुकाने का वादा किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी और उनके सहयोगी नुकसान की भरपाई की कवायद में लगे हुए हैं। कुछ कर्ज चुकाने के साथ ही अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव ने विदेशी बॉन्ड होल्डर्स के साथ कई मीटिंग की हैं, जिसने ग्रुप हाल के वर्षों में $8 अरब से ज्यादा की फंडिंग ले चुका है। उधर रेटिंग एजेंसियों ने अडानी ग्रुप और अडानी पोर्ट सहित कई कंपनियों के लिए आउटलुक में भी बदलाव किया है। गौतम अडानी और उनकी फैमिली ने 6 फरवरी को $1.11 अरब का कर्ज चुकाकर अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के गिरवी शेयर छुड़ाए थे। पोर्ट कंपनी ने 8 फरवरी को अप्रैल से शुरू हो रहे साल में ₹50 अरब का कर्ज चुकाने की योजना का ऐलान किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, ऐसे ही तमाम कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइफ।